सचिन पायलट और गहलोत का जो झगड़ा है वो जनता को तो नहीं समझ आ गया कि देखिए अब ये रणनीति अपनानी होगी कि विकल्प हमारे पास है भाजपा के? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पर, वो बहुत बड़ा फैक्टर था इनकी आपस की लड़ाई। और जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया उसको जो है सचिन पायलट को, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर था। महिलाओं के साथ दुनिया भारत में सबसे ज्यादा जहां जो महिलाओं के साथ दुराचार हुए, उनकी बेइज्जती पुराने वाली घटनाएं हुई, वो राजस्थान में हुई है। 19 बार जो है पेपर लीक हुए। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको हमने बनाया है और केंद्र सरकार की स्कीमें और केंद्र ने जो किया है उसके भी लोगों को, आम व्यक्तियों को पता था। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे? क्योंकि यहाँ पर लगातार उपराज्यपाल कह रहे हैं एक बार बिल्कुल बजा दे इलेक्शन कमीशन, हम तैयार है, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, अप्रैल तक तो लोकसभा के हो जाएंगे, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोग अपने असेंबली के भी हो जाए, तो पार्टी तो उसके लिए तैयारी में लगी हुई है। सांसदों के रूप में अगर 5 सीटें हैं तो वो 5 में कितना आंकड़ा आपके खेमे में, क्योंकि पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत का आंकड़ा छू पाई थी, 3 सीटें उनके खेमे में थी, और जम्मू संभाग की बात करें तो भाजपा की, तो इस बार कश्मीर में खाता खुलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, अब 2 तो जीतेंगे और तीसरी भी जीत सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। एग्जिट पोल के एग्जिट पोल में तब्दील हो गई, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि आंकड़े कुछ ना कुछ तस्वीर जो है साफ कर रहे हैं। हाल ही बल सिंह जी मेरे साथ है, जम्मू कश्मीर के नेता और पूरे देश की राजनीति से वाकिफ और इतिहास की तो जानकार रहे हैं, क्या लगता है इतिहास दोहराया जाएगा? कहां पर आप लगते हैं कि सरकार बनाने में सक्षम और कहां पर कोताही बरती? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल है, उसका एक फार्मूला रहता है, तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, काफी हद तक ठीक रहते हैं। और जब पांचों का हम जो उनका मिलाएं उसमें, क्योंकि जो तस्वीर उभर के आ रही है और जो हमारा अनुमान है, राजस्थान में हम अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे, 97 से 117। हाँ, हम जो है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान 2 महीने रहा हूँ, 130 तक सीटें जीतेंगे, इस प्रकार का बिल्कुल स्पष्ट है। हम जो है मध्य प्रदेश में अच्छी मेजोरिटी से जो है चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जो छत्तीसगढ़ में भी हम जो है सरकार बना सकते हैं, टक्कर दे रहे हैं और सरकार बनेगी, तो 3 प्रदेशों में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सरकार में आएंगे, 2 में बिल्कुल स्पष्ट है, 3 में टक्कर है, और जो है तेलंगाना है उसमें हम इम्प्रूव करेंगे और मिजोरम में हम अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे। जहां पर आप आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में तब्दील होंगे, वहां की जनता को क्या पसंद आया होगा भाजपा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो 9 साल की उपलब्धियां, पिछले 5 साल की उपलब्धियां, मैं राजस्थान की बात बताता हूँ, बच्चे बच्चे तक पहुंची है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश में जो किया है, गरीब के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, जो एक अंत्योदय का जो सही माने में जो एक मतलब होता है कि आखिर में बैठे हुए व्यक्ति को उसको उसका हिस्सा देना, तरक्की तामीर देना, स्वास्थ्य देना, वो मध्य प्रदेश में मिला है। एक चीज बताइए कि ये 500 रुपए का जो सिलेंडर दे रही थी कांग्रेस राजस्थान में, वो जनता को पसंद नहीं आ रहा क्या? देखिए, कांग्रेस का जो तरीकाकार है, अरे भाई ठीक है, लोगों को सस्ती चीजें मिलनी चाहिए, राशन दिया गया, कोविड में राशन दिया गया, वो ठीक है, लेकिन वो जो है कई बार इस प्रकार की भी बातें कर देते हैं जिसके कारण जो है वो लोगों को भाजपा का जो आईटी सेल है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के किसी भी बयान को ऐसे वायरल करता है कि राहुल गांधी कुछ चेहरा नहीं दिखा पाते और चुनाव में हार का सामना करना पड़ता। देखिए, राजस्थान में तो राहुल, सोनिया, प्रियंका कोई दिखे नहीं, उनके पोस्ट भी नहीं दिखे हमें। उसमें गहलोत ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है, कहीं कहीं पोस्टर थे उनके प्रदेश अध्यक्ष के, ये तो स्पष्ट है। सचिन पायलट और गहलोत का जो झगड़ा है वो जनता को तो नहीं समझ आ गया कि देखिए अब ये रणनीति अपनानी होगी कि विकल्प हमारे पास है भाजपा के? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर था वहां पर, वो बहुत बड़ा फैक्टर था इनकी आपस की लड़ाई। और जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया उसको जो है सचिन पायलट को, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर था। महिलाओं के साथ दुनिया भारत में सबसे ज्यादा जहां जो महिलाओं के साथ दुराचार हुए, उनकी बेइज्जती पुराने वाली घटनाएं हुई, वो राजस्थान में हुई है। 19 बार जो है पेपर लीक हुए। तो ये सारे मुद्दे थे जिसको हमने बनाया है
और केंद्र सरकार की स्कीमें और केंद्र ने जो किया है उसके भी लोगों को, आम व्यक्तियों को पता था। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे? क्योंकि यहाँ पर लगातार उपराज्यपाल कह रहे हैं एक बार बिल्कुल बजा दे इलेक्शन कमीशन, हम तैयार है, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, अप्रैल तक तो लोकसभा के हो जाएंगे, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोग अपने असेंबली के भी हो जाए, तो पार्टी तो उसके लिए तैयारी में लगी हुई है। सांसदों के रूप में अगर 5 सीटें हैं तो वो 5 में कितना आंकड़ा आपके खेमे में, क्योंकि पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत का आंकड़ा छू पाई थी, 3 सीटें उनके खेमे में थी, और जम्मू संभाग की बात करें तो भाजपा की, तो इस बार कश्मीर में खाता खुलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, अब 2 तो जीतेंगे जीतेंगे और तीसरी भी जीत सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पर जीत के लिए हम अग्रसर हैं और हम इसी के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ हैं। राजस्थान में लगातार जो है वो बढ़त मिल रही है, जिसको लेकर सबके चेहरे पर एक खुशी, और ये भी कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में कड़ी टक्कर जो है वो भाजपा दे रही है, लेकिन किस तरह के नतीजे होंगे ये कल बिल्कुल साफ हो जाएगा।